टूर सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग रियर विंडो। ये एक बहुत ही बेहतरीन कहानी है और इस कहानी में ये दिखाया जाता है कि एक आदमी जिसके पैर में फ्रैक्चर है, जो कई हफ्तों से अपने बेड से अपनी चेयर से नहीं उठा, कैसे वो अपने कमरे में बैठे बैठे अपनी खिड़की से बाहर देखकर एक मर्डर मिस्ट्री को सुलझा देता है। आज तक हॉलीवुड में जो 100 बेहतरीन फिल्में बनी हैं, उन फिल्मों में पहले इसका रैंक 42 था और अब ये 48वें नंबर पर है। तो कहानी शुरू होती है चेल्सी मैनहट्टन शहर से, जहां पर एक सोसाइटी दिखाई जाती है और इसी सोसाइटी में एक घर है जेफ का, जिसके पैर में फ्रैक्चर है और वो पिछले कई हफ्तों से अपने घर पर ही है। वो दिन भर घर पर बोर होता रहता है, इसीलिए खिड़की के पास बैठा रहता है। उसकी खिड़की से कई और घर दिखते हैं। दरअसल यहाँ पर गर्मी बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए लोग हमेशा अपने घरों की खिड़कियों को खुला रखते हैं। जेफ के घर से उसे एक डांसर का घर दिखाई देता है, जिसे वो नाम देता है मिस टॉर्सो। एक घर दिखाई देता है एक औरत का जो अकेली रहती है, वो उसे नाम देता है मिस लोनली हार्ट्स। एक घर उसे एक पियानिस्ट का दिखाई देता है। एक घर में एक न्यूली मैरिड कपल रहता है। एक घर में एक मिडल ईस्ट कपल रहता है जिनके पास एक कुत्ता भी है जो हमेशा गार्डनिंग करते रहते हैं। उसे एक घर एक मूर्तिकार का भी दिखाई देता है जो हमेशा मूर्तियां बनाती रहती है। और एक घर होता है थॉरवेल्ड का, जो कि अपनी पत्नी के साथ वहां पर रहता है। उसकी पत्नी हमेशा बेड पर रहती है क्योंकि वो बीमार है। थॉरवेल्ड एक ट्रैवलिंग ज्वेलरी सेल्समैन है। जेफ खुद एक फोटोग्राफर है जिसकी कुछ हफ्ते पहले काम करते हुए टांग टूट गई थी। उसकी टांग में फ्रैक्चर हो गया और अगले एक हफ्ते में उसका फ्रैक्चर खुल जाएगा। जेफ की देखभाल करने के लिए यहाँ पर हर रोज एक नर्स आती है जिसका नाम स्टेला है, और स्टेला चाहती है कि जेफ को अब लीसा के साथ शादी कर लेनी चाहिए, जो कि जेफ की गर्लफ्रेंड है। लेकिन जेफ ऐसा नहीं करना चाहता क्योंकि लीसा का और जेफ का दोनों का लाइफस्टाइल बहुत अलग है। लीसा एक हाई क्लास लड़की है जबकि जेफ की जिंदगी बहुत नॉर्मल है। लेकिन ये सिर्फ जेफ की सोच है, लीसा ऐसा नहीं सोचती। वो जेफ से प्यार करती और अपनी जिंदगी उसके साथ बिताना चाहती है, लेकिन जेफ नहीं चाहता। वो नहीं चाहता कि लीसा को किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज उसकी लाइफ में करना पड़े क्योंकि उसकी जिंदगी बहुत अच्छी होती है। जबकि जेफ जिस तरह का फोटोग्राफर होता है, उसकी जिंदगी में रिस्क होता है, उसे बार बार बाहर जाना पड़ता है और ऐसी परिस्थितियों में भी रहना पड़ता है जिसमें वो नहीं चाहता कि लीसा भी रहे। लीसा हर रात को उसके पास आती है, उससे मिलती है, साथ में डिनर करती है। अब एक रात में जब लीसा चली जाती है और जेफ हमेशा की तरह खिड़की से बाहर देख रहा होता है, लगभग सभी लोग सो चुके होते हैं और तभी उसे एक चीख सुनाई देती है और वो लेडी बोलती है डोंट, और इसके बाद कांच टूटने की भी आवाज आती है। लेकिन जेफ को कुछ पता नहीं चलता कि ये आवाज कहां से आई थी या ये आवाज किसकी थी। जेफ भी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और वो सो जाता है, और आधी रात को बिजली चमकने से उसकी नींद खुलती है और वो देखता है कि उसके सामने वाले अपार्टमेंट में जो थॉरवेल रहता है, वो रेनकोट पहनकर हाथ में एक ब्रीफकेस लेकर घर से निकल जाता है। इस वक्त रात के 1:55 हो रहे होते हैं और ठीक 40 मिनट बाद यानी कि 2:35 पर थॉरवेल वापस आ जाता है। लेकिन वो ज्यादा देर तक घर पर नहीं रुकता और एक बार फिर से उसी ब्रीफकेस को लेकर वो घर से बाहर निकल जाता है। इसी दौरान जेफ बाकी घरों में भी देखता है। यहाँ पर जो लेडी होती है जिसे वो लोनली हार्ट्स कहता है, दरअसल उसका एक इमेजिनरी बॉयफ्रेंड होता है जिससे वो हमेशा बातें करती है, कभी उसके लिए डिनर का टेबल सजाती है। लेकिन ऐसा असल जिंदगी में कोई भी नहीं है, ये उसकी इमेजिनेशन है और इसीलिए उसका नाम जेफ ने लोनली हार्ट्स रखा होता है। अब जब जेफ लोगों के घरों में ताका झांकी कर रहा होता है, तभी थॉरवेल्ड वापस आ जाता है। लेकिन वापस आने के बाद वो अपने घर पर रुकता नहीं है, बल्कि एक बार फिर से अपना ब्रीफकेस लेकर घर से बाहर निकलता है। इस बात से जेफ को शक होता है और अगले दिन जब उसकी नर्स आती है तो वो उसे बताता है कि कल रात को थॉरवेल्ड 3 अपने घर से बाहर गया और उसके हाथ में उसकी ज्वेलरी के सैंपल्स का सूटकेस भी था। स्टेला कहती है शायद काम से गया हो। जेफ कहता है रात को वो भी 3, ऐसा नहीं हो सकता। जेफ को उस पर शक होता है। स्टेला कहती है सुबह से कुछ हुआ। जेफ कहता है कि आज सुबह से उसकी पूरी अपार्टमेंट के पर्दे गिरे हुए हैं। तभी स्टेला बोलते कि अब तो खुल गए, और ये सुनते ही जेफ एकदम चौकन्ना हो जाता है और वो थॉरवेल्ड की अपार्टमेंट की तरफ देखना शुरू कर देते हैं। जेफ अपनी नर्स स्टेला को बोलता है कि पीछे हो जाओ।
वो कहता है जिस तरह से वो बाहर देख रहा है, इंसान तभी इस तरह से बाहर दिखता है जब उसे शक या डर होता है कि कोई उसे देख रहा है। इसके बाद थॉरवेल खिड़की से नीचे बड़े ध्यान से देख रहा होता है और जब जेफ भी नीचे देखता है तो वो देखता है कि उनके पड़ोसियों का कुत्ता थॉरवेल के पौधों के नीचे कुछ सूंघ रहा होता है। लेकिन तभी वहां पर वो लेडी आ जाती है जिसका ये डॉग है और वो उसे वहां से भगा देती है। अब स्टेला के जाने का वक्त हो जाता है और जब वो जा रही होती है तो जेफ उससे अपनी दूरबीन मांगता है और स्टेला उसे उसकी दूरबीन देकर वहां से निकल जाती है। जेफ लगातार दूरबीन से थॉरवेल के घर की तरफ देखता है। वो देखता है कि वो अखबार में कुछ लपेट रहे और साथ ही अपने सूटकेस में बहुत सारी ज्वेलरी रख रहा है और थॉरवेल आज काम पर भी नहीं गया होता। शाम को जब जेफ की गर्लफ्रेंड लीसा आती है तो वो उसको सब कुछ बताता है। वो कहता है कि कल रात को 3 बार थॉरवेल अपने घर से बाहर गया और आज वो जॉब पर भी नहीं गया और साथ ही साथ उसकी वाइफ के कमरे के पर्दे लगातार पूरे दिन गिरे हुए थे और ना ही थॉरवेल अपनी पत्नी के कमरे में गया। उसको दरअसल पूरी तरह से शक है कि थॉरवेल ने अपनी पत्नी को मार दिया। वो लीसा को कहता है कि आज वो सिर्फ व्हाइट कलर की सैंडो पहनकर बाहर निकल गया और जब वो लीसा से बात ही कर रहा होता है कि थॉरवेल वापस आ जाता है। उसके हाथ में एक रस्सी होती है और अब वो अपनी पत्नी के कमरे में भी जाता है लेकिन वो खिड़कियां नहीं खोलता। और जब जेफ दूरबीन से ये सब कुछ देख रहा होता है तभी लीसा उस पर गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि इस तरह से किसी के घर में दूरबीन से झांकना और मनगढ़ंत कहानियां बनाना ये सब गलत बात है। जेफ कहता है कि मैं जानबूझकर नहीं कर रहा, उस आदमी की पत्नी बीमार है और आज सुबह से ना तो वो खुद उसके कमरे में गया और ना ही कोई उसे देखने के लिए गया, इसीलिए मुझे शक है। और साथ ही साथ कोई भी आदमी अपने घर में रस्सी आरी छुरे ये सब लेकर नहीं आता जो कि मैंने देखा है। अब ये दोनों जब बहस कर ही रहे होते हैं तभी दिखाते हैं कि थॉरवेल के कमरे के बाहर वो एक बहुत बड़ा लकड़ी का संदूक लेकर आता है और ये देखने के बाद लीसा को भी शक हो जाता है कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, जेफ जो कह रहा है उसमें कोई ना कोई सच्चाई जरूर है। और लीसा भी अब इस काम में उसका साथ देती है। वो सामने वाली अपार्टमेंट पे जाती है और वो फोन पर जेफ को बताती है कि उसके घर का एड्रेस यानी कि घर का नंबर क्या है, उसका नाम क्या है। और इसके बाद जेफ लीसा को बोलता है कि तुम घर चली जाओ। जेफ देखता है कि थॉरवेल के पूरे घर में अंधेरा होता है, खिड़कियां खुली होती है और थॉरवेल अंधेरे में बैठा है। अगले दिन जेफ अपने एक दोस्त को कॉल करता है। दरअसल ये एक जासूस है और इसका नाम होता है डॉयल। और अब यहाँ पर जो जेफ की नर्स होती है जिसका नाम स्टेला है उसे भी जेफ की बातों पर यकीन है। और तभी ये दिखाया जाता है कि थॉरवेल के घर पर 2 आदमी आते हैं। दरअसल ये कुरियर वाले होते हैं और वो उस लकड़ी के बॉक्स को वहां से लेकर निकल जाते हैं। डॉयल को अभी तक यहाँ पर आ जाना चाहिए था लेकिन वो नहीं आता, इसीलिए स्टेला भागते हुए नीचे जाती है ताकि वो उस गाड़ी का नंबर नोट कर सके जिसमें वो बॉक्स लेकर गए हैं। लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कर पाती वो गाड़ी वहां से निकल जाती है। इसके बाद डॉयल जेफ के पास आ जाता है और जेफ डॉयल को बताता है कि मैंने जो कुछ देखा उससे ये पूरा संदेह होता है कि उस आदमी ने अपनी पत्नी को मार दिया। मैंने उसके घर में देखी है छुरियां आरियां रस्सियां और अब एक बहुत बड़ा ट्रंक और साथ ही साथ उसकी बीवी जो हमेशा कमरे में बैठी रहती थी जो बीमार थी अब वो वहां पर नहीं है। डिटेक्टिव डॉयल जेफ की बातों पर यकीन नहीं करता। वो कहता है कि अगर उसने खून किया होता तो अभी भी वो अपने अपार्टमेंट में नहीं बैठा होता बल्कि वो कहीं चला जाता। हो सकता है कि उसकी पत्नी बाहर छुट्टियों पर गई हो। जेफ कहता है कि वो बीमार थी, वो छुट्टियों पर नहीं जा सकती। डॉयल कहता है ठीक है, मैं इसकी रिपोर्ट तो नहीं करूंगा लेकिन मैं इसकी खुद इन्वेस्टिगेशन करूंगा। और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। और शाम को जब वो इन्वेस्टिगेशन करके वापस आता है तो वो जेफ को बताता है कि मुझे पता चला है कि थॉरवेल की पत्नी वापस अपने गांव चली गई है। ये बात मुझे सुपरिटेंडेंट ने बताई और सुपरिटेंडेंट को ये बात बताई थी खुद थॉरवेल ने। लेकिन जेफ उसकी बात पर यकीन नहीं करता। वो कहता है क्या उसकी पत्नी को किसी ने ट्रेन पर चढ़ते हुए देखा था, हो सकता है कि सुपरिटेंडेंट ने उससे पैसे खाए। लेकिन डॉयल को ऐसा नहीं लगता। जेफ डॉयल को बोलता है क्यों ना तुम उसके अपार्टमेंट में जाओ, वहां तुम्हें 1000 सबूत मिल जाएंगे जिससे ये साबित हो जाएगा कि थॉरवेल ने अपनी पत्नी का खून किया है। लेकिन डॉयल ऐसा करने से मना कर देता है। वो कहता है कि अगर मैं थॉरवेल की अब्सेंस में उसके घर गया और पकड़ा गया तो मुझसे मेरा बैच छीन लिया जाएगा और मैं अपने डिटेक्टिव के बैच को खोना नहीं चाहता। और साथ ही साथ डॉयल उसे ये भी बताता है कि मुझे थॉरवेल के मेल बॉक्स में एक लेटर मिला है जिसको कल 3:30 पर भेजा गया था और वो उसे लेटर पढ़ के बताता। उस लेटर में लिखा होता है कि मैं ठीक ठाक पहुंच गई हूँ, पहले से बेहतर महसूस कर रही हूँ, लव एना, और ये नाम थॉरवेल की पत्नी का होता है। लेकिन जेफ किसी भी बात पर डॉयल की बातों पर यकीन नहीं करता और वो लगातार अपनी दूरबीन से थॉरवेल के घर की तरफ देखता रहता है।
वो देखता है कि वो अपना सामान इकट्ठा कर रहा होता है और साथ ही साथ वो अपनी पत्नी का हैंडबैग भी खोलता है जिसमें ज्वेलरी होती है। और जब शाम को जेफ की गर्लफ्रेंड लीसा उसके पास आती है तो वो उसे सारी बातें बताता है। वो कहता है कि लगता है कि थॉरवेल यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है, वो अपना सामान इकट्ठा कर रहा था। उसने अपनी वाइफ का हैंडबैग भी चेक किया और उसके अंदर वो ज्वेलरी देख रहा था। लीसा जेफ को कहती है कि मुझे भी इस बात पर शक है क्योंकि जब कोई औरत कहीं ट्रिप पर जाती है तो वो कभी भी अपने उस हैंडबैग को जो वो हमेशा अपने बेड के पास रखती है उसे छोड़कर नहीं जा सकती। और साथ ही साथ कभी भी कोई लेडीज ज्वेलरी को बैग के अंदर नहीं रखती क्योंकि ऐसा करने से ज्वेलरी खराब हो सकती है। और अगर उसकी पत्नी यहाँ से अपने घर या किसी ट्रिप पर गई है तो वो अपनी ज्वेलरी अपने साथ जरूर ले जाती। अब यहाँ पर डिटेक्टिव डॉयल भी आ जाता है और डॉयल को इन्वेस्टिगेशन के दौरान किसी ने बताया था कि जिस रात को जेफ ने ये चीख सुनी थी उसकी अगली सुबह 6 बजे थॉरवेल को और उसकी पत्नी को किसी ने कहीं जाते हुए देखा था। लेकिन यहाँ पर जेफ को और लीजा को इस बात पर शक है। वो कहते हैं कि हो सकता है कि वो उसकी पत्नी ना हो और कोई और लेडी हो क्योंकि अगर वो उसकी पत्नी होती तो वो अपनी ज्वेलरी कभी भी घर पर छोड़कर नहीं जाती। लेकिन डॉयल को अभी भी उनकी बातों पर यकीन नहीं होता। वो कहता है कि थॉरवेल ने सुबह एक ट्रेन का टिकट खरीदा था और वो उसने अपनी पत्नी के लिए खरीदा था और वो लकड़ी का बक्सा जिसके बारे में तुम मुझे बता रहे थे मैंने उसे भी चेक किया, उसमें थॉरवेल की पत्नी के बहुत सारे कपड़े थे। और इस बात से ये पता चलता है कि थॉरवेल की पत्नी अपने घर गई है। जेफ कहता है कि अगर कोई अपने घर जाता है तो वो अपने सारे कपड़े लेकर कभी भी नहीं जाता। डॉयल कहता है कि उस लकड़ी के बक्से यानी कि ट्रंक पर थॉरवेल की पत्नी के घर का एड्रेस लिखा था लेकिन वो पुलिस ने रिसीव किया और उसे लेने के लिए थॉरवेल की पत्नी आई और इसके बाद वो वहां से चला जाता है। दरअसल वो ये केस पूरी तरह से छोड़ चुका है और जेफ को और लीसा को भी अब यकीन हो जाता है कि डॉयल सही कह रहा है, उसकी पत्नी अपने घर जा चुकी है, उसका मर्डर नहीं हुआ, ये सिर्फ इनके मन का वहम था। इसके बाद ये दोनों आपस में बातें करना शुरू कर देते हैं और तभी वहां पर किसी औरत के रोने की आवाज आती है। और जब ये अपनी खिड़की के कर्टन्स ऊपर करते हैं तो ये देखते हैं कि उनके पड़ोस में रहने वाली औरत के कुत्ते को किसी ने मार दिया होता है और इसीलिए वो रो रही होती है। और उसकी रोने की आवाज से सभी लोग अपनी बालकनी में आते हैं सिवाय एक की और वो होता है थॉरवेल, जबकि वो उस वक्त अपने अपार्टमेंट में होता है। हालांकि उसके पूरे अपार्टमेंट की लाइट्स बंद होती है लेकिन अंधेरे में उसके जलते सिगार की रोशनी ये बताती है कि थॉरवेल कुर्सी पर बैठा हुआ है और वो सब कुछ सुन रहा है और सुनने के बाद भी वो बाहर देखने तक नहीं आया। और इस बात से अब जेफ को और लीजा को शक हो जाता है कि कहीं ना कहीं थॉरवेल ने इस कुत्ते को मारा है क्योंकि कुछ दिनों पहले वो कुत्ता क्यारी में फूलों के पौधों के नीचे कुछ खोद रहा था और उस वक्त उस कुत्ते की मालकिन ने उसे भगा दिया था। और अब जेफ को लीजा को और स्टेला को ये लगता है कि थॉरवेल ने वहां पर कुछ ना कुछ छुपाया है, हो सकता है कि वो मर्डर का सबूत हो। अब इन्हें एक बार फिर से ये शक होना शुरू हो जाता है कि थॉरवेल ने अपनी पत्नी को मार दिया और जो औरत सामान लेने के लिए स्टेशन पर आई थी वो थॉरवेल की पत्नी नहीं बल्कि कोई और थी। और उन फूलों के पौधों के नीचे थॉरवेल ने उन औजारों को हथियारों को छुपाया है जिससे उसने अपनी पत्नी को मारा है। लीजा कहती है कि रात होने पर मैं वहां जाऊंगी और देखूंगी कि वहां पौधों के नीचे क्या है। तभी ये तीनों देखते हैं कि थॉरवेल अपने घर की दीवारों को साफ कर रहा होता है, ऐसा लगता है कि वो दीवारों से कोई निशान मिटा रहा है। और इसके बाद वो अपना सामान भी पैक करना शुरू कर देता है। अब जेफ को एक आइडिया आता है और वो एक लेटर लिखता है। उस लेटर में वो लिखता है कि तुमने उसके साथ क्या किया। वो लेटर वो लीसा को देता है और लीसा थॉरवेल के अपार्टमेंट पे जाती है और उसके दरवाजे के नीचे से वो लेटर उसके कमरे में डाल देती है। हालांकि थॉरवेल उसका पीछा करने की भी कोशिश करता है लेकिन लीसा किसी तरह से वहां से निकल जाती है। और उस लेटर को पढ़ने के बाद थॉरवेल थोड़ा सा परेशान दिखता है। अब लीजा और स्टेला दोनों नीचे उन पौधों के नीचे देखने जाना चाहती है कि वहां पर थॉरवेल ने क्या छुपाया है, लेकिन थॉरवेल अभी भी घर पर है इसीलिए वहां पर जाना उनकी जान को खतरा हो सकता है। जेफ कहता है कि मैं इसे घर से निकालता हूं। वो टेलीफोन डायरेक्टरी से थॉरवेल का नंबर निकालता है और वो थॉरवेल को कॉल करता है। जेफ कहता है कि मुझे तुम्हारी पत्नी के मर्डर के बारे में पता है और अगर तुम चाहते हो कि ये बात मैं पुलिस को ना बताऊं तो मुझे एक जगह आकर मिलो। वो उसे जगह का पता बताता है। हालांकि थॉरवेल शुरू में आनाकानी करता है लेकिन कुछ ही पलों बाद वो घर से निकल जाता है। और उसके निकलने के बाद लीजा और स्टेला नीचे जाते हैं और
वो पौधे के नीचे खोद कर देखते हैं, लेकिन वहां पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। अब लीजा ये तय करती है कि वो थॉरवेल्ड के अपार्टमेंट में जाएगी, और वो किसी तरह से थॉरवेल्ड के अपार्टमेंट में चली जाती है और वहां पर वो चीजें यानी कि सबूत ढूंढना शुरू कर देती है। और जब वो ये कर ही रही होती कि तभी थॉरवेल्ड वापस आ जाता है। लीजा घर के अंदर है और थॉरवेल्ड भी अब घर के अंदर आ चुका है। इस बात से जेफ पूरी तरह से घबरा जाता है और वो पुलिस को कॉल करके थॉरवेल्ड के घर का पता बताता है। वो कहता है कि वहां पर एक आदमी एक औरत को मार रहा है। वहीं थॉरवेल्ड अंदर जाकर देखता है कि उसकी पत्नी का वो बैग जो उसने सूटकेस के अंदर रख दिया था वो सूटकेस के ऊपर होता है। उसे इस बात से शक होता है कि घर पर कोई है, और जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो दरवाजे के पीछे लीजा होती है। इसके बाद लीजा को पकड़ लेता है और उससे वो मांगता है कि उसने उसके बैग से क्या निकाला है। लीजा ने दरअसल उसकी पत्नी की अंगूठियां बैग से निकाली होती है और वो उसे वापस कर देती है। और इसके बाद थॉरवेल्ड घर की लाइट्स बंद कर देता है क्योंकि वो उसे मारना चाहता है। और घर से जेफ ये सब कुछ देख रहा होता है, लेकिन उसके पैर में फ्रैक्चर है, वो कुछ भी नहीं करता। जेफ इस बात से बहुत परेशान हो जाता है, लेकिन तभी वहां पर पुलिस आ जाती है और थॉरवेल्ड को दरवाजा खोलना पड़ता है। थॉरवेल्ड पुलिस को बताता है कि ये लड़की मेरे अब्सेंस में मेरे अपार्टमेंट में घुस गई, ये चोरी कर रही थी, और पुलिस अब लीजा को अरेस्ट कर लेगी। लेकिन तभी लीजा इशारे से जेफ को बताती है कि उसकी पत्नी की वेडिंग रिंग जो कि उसके बैग से उसने ले ली वो उसकी उंगली में है। और जब ये इशारा वो जेफ को कर रही होती है तो थॉरवेल्ड देख लेता है और वो समझ जाता है कि सामने की अपार्टमेंट से कोई उस पर नजर रख रहा है। अब लीजा को पुलिस अपने साथ अरेस्ट करके ले जाती है क्योंकि उसके ऊपर चोरी का, किसी के घर में जबरदस्ती उसकी अब्सेंस में घुसने का आरोप है। और जेफ अपनी नर्स स्टेला को उसकी जमानत के लिए भेजता है। इसके बाद जेफ अपने दोस्त डिटेक्टिव डॉयल को कॉल करता है और वो उसे बताता है कि लीजा को अरेस्ट कर लिया गया है। और साथ ही साथ वो उसे ये भी बताता है कि लीजा के पास थॉरवेल्ड की पत्नी की वेडिंग रिंग है, और अगर वो जिंदा होती तो अपनी वेडिंग रिंग को कभी भी अपनी उंगली से नहीं निकालती। और वो उसे कहता है कि उस रात को, जिस रात को उसने चीख सुनी थी, उस रात को थॉरवेल्ड कई बार अपने कमरे से, अपने घर से बाहर गया, और हर बार उसके पास सूटकेस था। अगर वो अपना सामान लेकर बाहर गया होता तो उसका सामान घर पर नहीं होना चाहिए था, लेकिन अभी भी उसका सारा सामान घर पर है। डॉयल कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं लीजा को छुड़ाने के लिए पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। और इसके बाद वो फोन रख देता है, और तभी दोबारा फोन की घंटी बजती है और जेफ बोलता है कि थॉरवेल्ड के घर की सारी लाइट्स बंद है, लेकिन दूसरी तरफ से कोई भी आवाज नहीं आती। और तभी उसे सीढ़ियों पर किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है जो उसी के कमरे, उसी के अपार्टमेंट के अंदर आ रहा है। इस बात से जेफ डर जाता है क्योंकि उसके पैर में फ्रैक्चर है, वो चल भी नहीं सकता। और अगले पल ये दिखाया जाता है कि थॉरवेल्ड दरवाजा खोलकर अंदर आ जाता है। कमरे में पूरी तरह से जेफ ने अंधेरा किया होता है। थॉरवेल्ड उसे बोलता है कि तुम मुझे पकड़वा सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा क्यों नहीं किया। जेफ उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता। इसके बाद थॉरवेल्ड कहता है कि मुझे वो अंगूठी चाहिए जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड मेरे घर से लेकर गई है। जेफ कहता है कि अब अंगूठी तुम्हें कभी नहीं मिलेगी क्योंकि वो पुलिस के पास है। और इसके बाद थॉरवेल्ड उसकी तरफ बढ़ना शुरू करता है। जेफ के पास जो कैमरा होता है उसका फ्लैश बहुत तेज होता है, वो कई बार उस फ्लैश को चमकाता है जिससे थॉरवेल्ड को उसे पकड़ने में, उस तक पहुंचने में थोड़ा टाइम लगता है। और तभी सामने थॉरवेल्ड की फ्लैट में ये दिखाया जाता है कि वहां पर लीजा, डिटेक्टिव डॉयल और पुलिस पहुंच गई है क्योंकि उन्हें समझ में आ चुका है कि थॉरवेल्ड ने अपनी पत्नी का कत्ल किया है। लेकिन थॉरवेल्ड यहां जेफ के फ्लैट में होता है, वो उसे मारना चाहता है, उसका गला दबाना शुरू कर देता है। लेकिन लीजा ये दूर से देख लेती है, वो समझ जाती है कि थॉरवेल्ड वहां पर है, और ये सब के सब अब जेफ के फ्लैट की तरफ भागते हैं। थॉरवेल्ड जेफ को उसके फ्लैट से नीचे लटका देता है, वो उसे वहां से गिराकर मारना चाहता है। लेकिन तब तक वहां पर पुलिस पहुंच जाती है और वो थॉरवेल्ड को अरेस्ट कर लेती है। लेकिन इससे पहले कि वो जेफ को ऊपर खींचती, जेफ नीचे गिर जाता है। लेकिन नीचे कुछ पुलिस वाले होते हैं, इसीलिए उसे चोट तो लगती है लेकिन उसकी जान बच जाती है। थॉरवेल्ड अपने गुनाह को कबूल कर लेता है, उसी ने अपनी पत्नी का कत्ल किया था और कुत्ते को भी उसी ने मारा था क्योंकि जहां पर उसने सबूत छुपाए थे। कुत्ता बार बार जाकर उसी जगह अपने पंजों से खुदाई कर रहा था जिससे थॉरवेल्ड पकड़ा जा सकता था, इसीलिए उसने कुत्ते को मार दिया। और साथ ही साथ वो लेटर जो डॉयल को मिला था वो भी थॉरवेल्ड ने जानबूझकर अपने लेटर बॉक्स में डाल दिया था ताकि वो पुलिस को, लोगों को गुमराह कर सके। और साथ ही साथ थॉरवेल्ड जिस लेडी को रेलवे स्टेशन छोड़ने के लिए गया था वो उसकी पत्नी नहीं थी, और ना ही वो उसकी पत्नी थी जो पुलिस स्टेशन से उसका ट्रंक यानी कि लकड़ी का बक्सा लेने के लिए आई थी। हो सकता है कि ये दोनों लेडी एक ही हो।
इस बात पर फिल्म में कोई भी रोशनी नहीं डाली गई और अंत में ये दिखाया जाता है कि जेफ जो कि अपने पैर के प्लास्टर खुलने का इंतजार कर रहा था, अब उसके दोनों पैरों में प्लास्टर है, यानी कि अब उसे कई और हफ्ते इसी तरह से खिड़की पर बैठकर इंतजार करना होगा कि कब उसके दोनों पैर ठीक हो और कब उसके दोनों पैरों का प्लास्टर खुल जाए और वो इस तरह से रियर विंडो से झांकना बंद करे। वो रियर विंडो से झांक कर देखता है कि वहां पर जितने भी लोग होते हैं वो सब कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में सेटल हो गए। लोनली हार्ट जिसका इमेजिनरी फ्रेंड था अब वो दूसरे अपार्टमेंट पे रहने वाले पियानिस्ट से बात करती है और साथ ही साथ सामने रहने वाले डांसर का बॉयफ्रेंड जो कि आर्मी में था वो भी घर वापस आ चुका है और थॉर्वेल ने जिनके डॉग को मारा था उन्होंने अब एक नया डॉग ले लिया है और लीसा उसकी गर्लफ्रेंड उसके सामने बैठकर एक मैगजीन पढ़ रही होती है। इस मैगजीन का नाम होता है बियॉन्ड द हाई हिमालयस। दरअसल वो जेफ को ये जताना चाहती है कि उसे इस तरह की जगहों पर इंटरेस्ट है क्योंकि जेफ को इस तरह की जगहों पर फोटोग्राफी करने के लिए जाना होता है, लेकिन जब वो देखती है कि जेफ सो गया है तो वो उस मैगजीन को रखकर फैशन मैगजीन उठाकर पढ़ना शुरू कर देती है जिसमें लीसा को इंटरेस्ट होता है और इसी के साथ इस फिल्म का एक सुखद अंत हो जाता है। ये फिल्म 1954 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 8.4। इस फिल्म का बजट था $1 million और इसने बॉक्स ऑफिस पर कमाई की थी $37 million की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।